यूपी के आगरा अस्पताल में मेवात की टीम ने मारा छापा। हॉस्पिटल में भ्रूणलिंग परीक्षण करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ा, 2 फरार। आपको बता दें कि मेवात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगरा के प्रिया हॉस्पिटल पर छापा मारकर गर्भपात कराने वाली महिला चिकित्सा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मेवात स्वास्थ्य विभाग को आगरा के अस्पताल में कन्या भ्रूण भी मिला है। यह जानकारी डॉक्टर अरविंद कुमार नोडल अधिकारी PNDT ने दी। उन्होंने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी स्थित प्रिया हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर राजीव कुमार करवती महिलाओं का गर्भपात कराते हैं, जिसके बाद नुह स्वास्थ्य वाहक ने डमी गर्भवती महिला के साथ एक टीम तैयार कर अस्पताल पर छापेमारी की। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि गर्भवती महिला के गर्भाशय में शिशु बेटा या बेटी यह बताने के लिए 40,000 रुपये में बात बन गई। दलाल ने पहले ही 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करा ली, उसके बाद यूपी की तरफ चल दिए। अस्पताल पहुंचने पर 20,000 रुपये कैश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की डमी गर्भवती महिला का लिंग परीक्षण कराने पर लड़का बताया गया। आगरा पुलिस की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम व आगरा स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी। जांच के दौरान 10,000 रुपये दलाल से मौके पर ही रिकवर कर लिए गए। बता दें कि दलाल द्वारा डॉक्टर को दिए गए 10,000 रुपये भी बाथरूम से बरामद कर लिए गए। इतना ही नहीं, PNDT ने अस्पताल में जांच पड़ताल की तो पहले से ही मौजूद गर्भवती महिला का डस्टबिन में ताज़ा कन्या भ्रूण मिला। यूपी हरियाणा की टीम के साथ स्थानीय यूपी की पुलिस टीम मौजूद रही। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अस्पताल से मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2016 में प्रिया हॉस्पिटल में PNDT की टीम ने डमी को लेकर साथ छापा मारा था। प्रिया हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव कुमार सहित 3 को लिंग परीक्षण करते हुए पकड़ा था। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन की गरम मैपल रहे बच्चे की जो रेड होती है, इसमें गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के बाद हमने टीम तैयार की प्रशासन से बात करके। उसके बाद हम जो दलाल है जिसने हमसे 40,000 रुपये की मांग की थी कि भाई 40,000 रुपये हमें दोगे तो हम आपके सेक्स डिटर्मिनेशन करा देंगे। उसके बाद हमने 40,000 रुपये की डील की उससे, एक नकली ग्राहक तैयार किया। 40,000 में से उसने 20,000 हमारे से ऑनलाइन पेमेंट करा ली किसी अकाउंट में। उसके बाद वो सुबह सुबह हमें लेके चल पड़ा, तो वो चल पड़ा यूपी की तरफ, मथुरा की तरफ। वहाँ जाके उसने 20,000 हमसे कैश ले लिए। उसके बाद वो एक प्रिया हॉस्पिटल है डॉक्टर राजीव कुमार का, वहाँ पे उसने नकली जो हमारी पेशेंट थी उसका गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करके लड़का बताया। जो 20,000 हमने उसको कैश दिए थे जो दलाल था, 10,000 रुपये तो उससे रिकवर हो गए। वहाँ की टीम को बुला लिया था हमने, पुलिस आ गई थी। और जो डॉक्टर था वो पेशाब का बहाना करके बाथरूम में चला गया, तो जो 10,000 रुपये डॉक्टर को दिए थे उसने दलाल ने, वो उसने जाके बाथरूम में सीवर में फेंक दिए, डाल दिए थे, वो भी वहाँ से हमने प्राप्त कर लिए। उसके बाद उसका जो रिकॉर्ड देखा गया, जिस मरीज का अल्ट्रासाउंड किया गया था, जिसको लड़का बताया गया था, उसकी भी उसने फॉर्म नहीं भरा हुआ था, ना प्रॉपर तरीके से एंट्री की हुई थी। फिर हमने उसके हॉस्पिटल में, उसने एक OT बना रखा था, हालांकि वो डॉक्टर थे छाती के जो TB के विशेषज्ञ हैं उसके थे और सोनोलॉजिस्ट थे। तो OT में हमने जब जांच पड़ताल की तो वहाँ के डस्टबिन में एक ताज़ा भ्रूण मिला हमें, 4-5 महीने के लगभग का ताज़ा भ्रूण मिला। उसके बाद फिर हमारी टीम ने उसके वार्ड में जो दाखिल मरीज थे उनसे तहकीकात की, तो वहीं पर उस भ्रूण की संभावित माँ भी हमें मिली, सुप्रिया करके, जो वहीं आसपास 80 किलोमीटर के दूर से आई हुई थी। तो उससे पूछने से उसने बताया कि मैं कल आई थी, मेरे पास पहले 3 बेटियां हैं, 2 जुड़वा हैं और 1 वैसे है, और ये चौथी बार में गर्भवती हुई,
मेरा 4 महीने का गर्भ है, 3-4 महीने का, कल इसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, तो उस महिला के अल्ट्रासाउंड की भी एंट्री उसके रजिस्टर में नहीं थी। और जब हम गए तो उसने कहा कि आज मेरा, इन्होंने सरिता नाम की एक स्टाफ नर्स है जीएनएम है, उसने अबॉर्शन किया है, एमटीपी की है। उसके बाद जो टीम थी, दोनों टीमों ने ज्वाइंट एक्शन करके पुलिस को बुला के पूरी जांच पड़ताल करके एक कंप्लेंट दाखिल की वहां के लोकल थाने में, एफआईआर कराई गई, और जितने भी दोषी थे, डॉक्टर राजीव, उसका एक ओटीए था राजेश कुमार, एक सरिता जो स्टाफ नर्स थी, एक उसका पीआरओ था प्रोग्राम जो देखता है किशोर करके, एक जो उस महिला का पति था अविनीश जिसका एमटीपी किया गया था, उन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। कुल कितने व्यक्ति थे? 7 आदमियों का नाम, 7 आदमियों के नाम एफआईआर कटी थी, जिसमें से 5 को वहीं अरेस्ट कर लिया गया था, 2 या 3 फरार। जो टीम का है, जो पीसीपीएनडीटी की जो टीम है, जो कानून है, ये कहता है जो इन्फॉर्मेशन होती है गुप्त होती है, उसके बाद हम उसको पैसा देते हैं जितने में डील होती है, वो हमें पीछे पीछे ले जाता है। वो पता नहीं कहाँ जाएगा, गुड़गांव भी जा सकता है, यूपी भी जा सकता है, राजस्थान भी जा सकता है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है लगभग 3 राज्यों से लगती है, तो बॉर्डर क्रॉस करके वो कहीं भी जा सकता है। जो सूचना मिलती है हमें उसको फॉलो करना होता है और टीम तैयार करके उसके पीछे पीछे चलना होता है, तो आसपास के जिलों में वो जा सकता है। कार्रवाई जो कानून है उसके हिसाब से अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई उसमें संलिप्त पाया जाता है, तो हम उसको लोकल पुलिस को बुलाकर एफआईआर करा के उसको अरेस्ट करा देते हैं।